हेलो असलम माई यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू माई चैनल आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ मुझे बहुत से मैसेजेस आए इंस्टाग्राम कि आप ही आपने पोलियो मॉल के दो व्लॉग्स बनाएँ आप एक ही कंप्लीट व्लॉग बना दें ताकि हम जब इसको फ़र्स्ट टाइम विज़िट करें तो हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो हमें बिल्कुल ऐसे लगे जैसे हम पहले से ही घूम कर आए हों <laughs> तो मैंने सोचा चले जी अब आपकी रिक्वेस्ट है तो मैं क्यों ना एक कम्प्लीट आपको व्लॉग बना देती हूँ स्टेप बाई स्टेप तो जी यहाँ से आप होंगे एंटर आपने अगर ऊपर से भी बुकिंग लेनी है तो आपने उस पर सर्च करना है एम्पोरियम मॉल एंट्रेंस एरिया फॉर पब्लिक उस पर लिखा होगा आपको ऑप्शन आएगी ऊबर पर तो आपने वो वाली ऑप्शन लेनी है और उसके बाद आप पहुंच जाएंगे अपनी डेस्टिनेशन पर यह है इसकी एंट्रेंस गेट नंबर इलेवन तो जब आप यहाँ से एंटर होंगे तो यहाँ पर आएगा एक सिक्योरिटी चेक जहाँ पर आपके पास जो भी पहले से सामान मौजूद होगा या आपके बैग्स वगैरह उन सब की स्कैनिंग होगी आपको उस सिक्योरिटी गेट से गुजरना पड़ेगा और उस उसके बाद आपको अंदर एंटर होने की परमिशन मिल जाएगी तो ऐसे ये तो हो गई आपकी बहुत ही ईजी वे में अंदर एंट्री तो ये देखें जनाब ये है सारी एंट्रेंस जो भी सेल्स वगैरह हो होंगी लगी हुई जितनी भी सेल होगी वो सब की सब आपको फ्रंट पर नज़र आ जाएगी इसके अलावा आप अंदर भी जाएंगे आपको अंदर जाके भी पता चलता जाएगा कि कहाँ कहाँ जो जो भी आपको सेल मिल जाएगी क्योंकि आपको पता है कि सेल के, के बग़ैर तो शॉपिंग करने में वो मज़ा ही नहीं आता जो सेल के साथ करने में आता है तो ये है जी वो सिक्योरिटी चेक जहाँ पर लेडीज़ एरिया भी बना हुआ है और जेंट्स के लिए भी ये है इसका एंट्रेंस हॉल यहाँ पर बहुत सी ब्रांड्स आपको इसी ग्राउंड फ्लोर पर मिल जाएंगी और इसकी खूबसूरती ये है कि जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपको कोई ना कोई थीम ज़रूर मिलेगा जैसे बिल्कुल समर में मिड समर में आपको यहाँ पर मैंगो थीम नज़र आएगा और इस वक्त यहाँ पर जो है जो थीम है वो है लेमन थीम बहुत ही ख़ूबसूरत लग रहा था बहुत ही ज़्यादा आई कैचिंग किस्म की बहुत ही ख़ूबसूरत किस्म की डेकोरेशन थी इस ग्राउंड फ्लोर पर ही आपको बहुत सी ब्रांड्स मिल जाएंगी लाइक सफ़ायर है यहाँ पर और भी बहुत सी ब्रांड्स हैं आप ये देखते चले जाएँ और इसके अलावा यहाँ पर आपको ड्रिंक्स और आइसक्रीम भी मिल जाएगी आप चाहें तो अंदर एंटर होते ही अपने आप को बिल्कुल कूल डाउन और रिलैक्स करने के लिए आप ड्रिंक्स भी ले सकते हैं और आइसक्रीम भी इंजॉय कर सकते हैं यहाँ से आपको ऊपर जाने के लिए अगर आप साथ, एक साइड पर देखेंगे तो आपको पूरा पिंक एरिया नज़र आएगा जो पिंक एरिया है यहाँ पर मौजूद हैं लिफ्ट इसकी लिफ्ट की मदद से आप ऊपर के चार फ्लोर्स और नीचे बेसमेंट में दो फ्लोर्स को कवर कर सकते हैं और इसके अलावा ये एलिवेटर के अलावा आपको एस्केलेटर भी मिलेंगे अगर आप चाहें तो आप उन पे भी जाकर आप अपना सारा फ्लोर्स जो हैं उनको विज़िट कर सकते हैं लेकिन हमारे साथ क्योंकि बच्चे थे तो हम लोगों ने यही प्रेफर किया कि हम उनको लिफ्ट में ही लेकर यहाँ वहाँ मूव करें तो जो जब आप पहुंचेंगे फर्स्ट फ्लोर पर तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारी ब्रांड्स नज़र आएंगी आ, कपड़ों की भी जूतों की भी बैग्स ज्वेलरी और आ, हर तरह की आपको वहाँ पर रेंज नज़र आएगी ये देखें मारिया भी आपको नज़र आ रहा है और ये देखें सामने अपोज़िट साइड पर भी डिफरेंट किस्म के कि आपको काउंटर्स नज़र आएंगे जहाँ से आप अपनी चॉइस के से कुछ भी ले सकते हैं लाइक आपने ज्वेलरी चाहिए ग्लासेस चाहिए कीचें्स कुछ भी आप चाहें तो आप वहाँ से ले सकते हैं तो जना इससे ऊपर जो फ्लोर है वो है आ गया अब सेकेंड फ्लोर सेकेंड फ्लोर जो है वो है सारे का सारा फूड कोर्ट वहाँ पर आपको हर तरह का फास्ट फूड मिल जाएगा आपकी चॉइस का आप जो खाना चाहें लाइक like, आप बर्गर्स लेना चाह रहे हैं पिज्ज़ा लेना चाह रहे हैं कुछ भी वो सब आपको वहाँ मिलेगा वहाँ पर मैकडोनल्ड्स भी है बर्गर किंग हार्डिज पिज्ज़ा हट और भी आइसक्रीम पॉलर्स भी आ, आ, आपको सबके सब मिलेंगे बहुत ज़्यादा वैरायटी है आइसक्रीम की भी और ड्रिंक्स की भी आप जो चाहें आप एंजॉय कर सकते हैं लेकिन अगर आप कुछ देसी टाइप का खाना चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको थर्ड फ्लोर पर आना पड़ेगा थर्ड फ्लोर पे बहुत ज़्यादा एरिया है जो कि बंदू खान के पास है तो आप वहाँ जाएँ और जाके आप उनके हॉल में उनके डाइनिंग हॉल में बैठ आप वहाँ पर खाना इंजॉय कर सकते हैं अच्छा और मैं आपको जो बता रही हूँ फ़ूड कोर्ट्स का आपकी मर्ज़ी की आप वहाँ बैठ चाहें तो आप डाइन इन कर सकते हैं चाहे तो टेक अवे करें हमारे साथ हम लोग जितने भी लोग साथ थे हम लोगों ने वहाँ पर किया डिनर और जो भी लोग हमारे साथ फैमिली मेम्बर्स नहीं आए थे उनके लिए हमने कर लिया टेक अवे तो जनाब हमारी सारी हो गई टेंशन दूर क्योंकि हमें घर जाकर किचन को भी नहीं देखना था तो जी ये है यहाँ पर देखें सारा फूड कोर्ट जो मैं आपको इस वक्त दिखा रही हूँ ये बिल्कुल सामने जहाँ से हम लोग एंटर होंगे वो है जी बर्गर किंग और बर्गर किंग के बिल्कुल ऊपर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद वहाँ हार्डीज़ नज़र आएगा और नेक्स्ट पे देखेंगे तो वहाँ पर साथ ही आपको पिज्ज़ा हट नज़र आ जाएगा तो इट डिपेंड्स कि आपका क्या मूड हो रहा है आपके साथ बच्चे हैं बच्चों का क्या मूड हो रहा है क्योंकि हमारे मूड से तो कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों का मूड देखना होता है और बच्चे जो हैं वो इतने प्यारे होते हैं कि वो फ़ौर खुश हो जाते हैं जैसे ही उनको नज़र आता है कि उनके सामने आ गया फूड कोर्ट और उससे भी बड़ी जो उनकी खुशी की बात होती है वो है उनके लिए उनका प्ले एरिया क्योंकि प्ले एरिया में बच्चे जो हैं वो जाके बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं ये देखें जी ये हमने किया था ऑर्डर बर्गर किंग से और बच्चे जो हैं वो इतने खुश हुए माशाल्लाह इतने खुश हुए कि हम सब का दिल खुश हो गया तो ये हम अब हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे थर्ड फ्लोर की अगर राइट साइड पर देखें तो वहाँ पर नीचे की तरफ नज़र आता है कि वहाँ पर मूवीज़ लगी हुई थी थिएटर था जिसमें पाकिस्तानी मूवीज़ भी थी और इसके अलावा इंटरनेशनल भी मूवीज़ लगी हुई थी जो जरास का एरिया आपको भी नज़र आया है यहाँ पर जनाब मौजूद है बच्चों के लिए सर्कस वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बच्चों के लिए गेम्स वगैरह हैं बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं और जब थर्ड फ्लोर पे हम लोग सामने की तरफ़ जाते हैं तो वहाँ पर एक साइड पर आपको नज़र आएगा बच्चों के लिए कंप्लीट उनका प्ले एरिया और दूसरी साइड पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको नज़र आएगा बच्चों के लिए कंप्लीट सेक्शन उनकी शॉपिंग के लिए यानी आपको यहाँ पर आकर बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आपने अपनी शॉपिंग तो कर ली लेकिन बच्चों की शॉपिंग तो रह गई और बच्चों की शॉपिंग किए बग़ैर तो माओ को सुकून आता ही नहीं है क्योंकि बच्चों के लिए तो जितनी भी शॉपिंग कर ली जाए वो कम है तो बिल्कुल अगर हम ऑपोजिट डायरेक्शन में थर्ड फ्लोर पर जाएंगे जो प्ले एरिया है उसकी अपोज़िट डायरेक्शन में तो वहाँ पर आपको एक पूरा सेक्शन मिलेगा जो कि बच्चा पार्टी के नाम से है वहाँ पर जाने के बाद जब आप तो उस सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर बच्चों के लिए आपको ड्रेसेस तो मिलेंगे ही लेकिन उसके अलावा आपको कम्प्लीट रेंज मिलेगी उनके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो वहाँ पर बच्चों के लिए अवेलेबल ना हो आप वहाँ पर एक बार जाएंगे तो उसके बाद बच्चों की कंप्लीट शॉपिंग करके ही बाहर आएंगे और ख़ास तौर से बच्चियों के लिए तो इतने प्यारे प्यारे चीज़ें वहाँ मौजूद थे उनके बैंड्स थे उनकी पिनस उनके क्रॉस बॉडी जो क्यूट क्यूट से बैग्स होते हैं वो इतनी प्यारी चीज़ें थीं कि आपका दिल खुश हो जाए तो अगर आप आएंगे तो आप वहाँ पर मेरी रिकमेंडेशन पे थर्ड फ्लोर पे जाके बच्चा पार्टी ज़रूर विज़िट करें और अपने बच्चों के लिए प्यारी प्यारी सी शॉपिंग करें क्योंकि बच्चों की शॉपिंग करने के बाद ही लगता है कि Uh, अपनी शॉपिंग कंप्लीट हुई क्योंकि बल्कि प्रेफरेंस तो यही होती है हमारी कि पहले हम शॉपिंग करें बच्चों के लिए और उसके बाद हम अपनी शॉपिंग की तरफ जाएँ तो एक और बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अगर आप वेडिंग के लिए शॉपिंग करना चाह रहे हैं लाइक अगर आप अपनी ब्राइड के लिए शॉपिंग करना चाह रहे हैं तो वो भी आपको कंप्लीट रेंज मिल जाएगी लेकिन अगर आप अपनी अपने लिए आ, कुछ लेना चाह रहे हैं पार्टी के लिए शादी के लिए या इवन कैजुअल वेयर भी लेना चाह रहे हैं तो वो भी आपको हर तरह से आ, एक बहुत वाइड रेंज मिल जाएगी मतलब इतना सेटिसफैक्ट्री यहाँ पर रहा सारी चीज़ों के लिए सर्चिंग करना देखना और आप एक चीज़ को अपने माइंड में लाते हैं तो उसके बदले में आपको इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं इतनी ज़्यादा वैरायटी कि इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे क्या लेना था और क्या नहीं लेना था क्योंकि आप ना चाहते हुए भी बहुत सी शॉपिंग कर जाते हैं तो इसलिए मैंने तो मुझे तो यही लगा कि यहाँ पर आने के बाद अगर आपके कोई पाँच छः घंटे स्पेंड भी हो जाते हैं तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं है बल्कि ये एक बहुत ही प्रॉपर यूटिलाइजेशन है आपके दिन की कि आप अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को छोड़ते हैं और एक दिन आप अपनी शॉपिंग के लिए बच्चों की आउटिंग के लिए और अपनी मूवी देखने के लिए कुछ भी करने के लिए आप निकलते हैं तो आपको कंप्लीट एंटरटेनमेंट आपको मिलेगी आपका पूरा दिन बहुत ही अच्छे से स्पेंड हो जाएगा और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि जब आप आएँ तो एटलीस्ट दिन में सोच के आए कि आपको पाँच छः घंटे तो यहाँ पर स्पेंड करने हैं क्योंकि आप यहाँ से रात को डिनर करें और फिर आराम से वापस जाएँ क्योंकि आपको ये पता होगा कि शॉपिंग होगी बच्चे खुश हो गए आपने मूवी देख ली और आपने इवन डिनर भी कर लिया और जो घर में अफराध थे उनके लिए आपने टेक अवे भी कर लिया तो वापस जाएँ घर में अपनी शॉपिंग देखें खुशी खुशी और साथ में सोने की तैयारी कर लें तो ये हो गया आपका पूरा फुल डे स्पेंड तो आई होप कि मैंने आपको कम्प्लीटली एक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचा दी आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी न्यू वीडियोस को नोटिफिक केशन्स आपको मिलते रहें थैंक्स फॉर वॉचिंग